What does the grass say? Hello friends, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि आज ये 5 मिनट का चार्ट है, निफ्टी इंडेक्स का सीनारियो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट लेवल हमारा बन रहा था 15,158 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 15,092। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी इंडेक्स जस्ट ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ब्रेक हुआ, साउथ की तरफ आने के बाद सपोर्ट टेस्ट करके बाद जब ये बाउंस बैक हुआ तभी फर्स्ट टारगेट 15,182 ये यहाँ पर अचीव हुआ। कुछ देर इस लेवल को पेनेट्रेट कर रहा था फर्स्ट टारगेट को और जैसे ही इसको भी ब्रेक कर दिया सेकेंड टारगेट 15,206 ये यहाँ पर अचीव हुआ। काफ़ी देर ऊपरी लेवल पे ये एक साइडवेज पैटर्न में ट्रेड कर रहा था और लास्ट हाफ एन आवर में एक ज़बरदस्त करेक्शन में देखने को मिला और निफ्टी इंडेक्स लाल निशान पर आके बंद हुआ। और जैसे ही ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक कर दिया फर्स्ट टारगेट 15,072 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। तो प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 32 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 24,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था एक क्विकली रिव्यू एनालिसिस का कल के। तो सबसे पहले डेली चार्ट को देख लेते हैं निफ्टी के। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, यहाँ पर देखें तो अनचार्टेड टेरिटरी में निफ्टी इंडेक्स लाइफ टाइम हाई लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है ऐसा हम मान के चल सकते हैं। और जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा यहाँ से हमें करेक्शन आता हुआ नजर आ सकता है। तो चलते 60 मिनट के चार्ट में इंट्राडे लेवल्स कल के लिए क्या हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कल है तारीख 10 फरवरी। तो आज जो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था वो एग्जैक्ट कल के लिए भी हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। आप देख सकते हैं ये जो करेक्शन है उसके बाद ये लास्ट कैंडल एक हैमर जैसा कैंडल यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जो ब्रेकआउट लेवल है यहाँ पर आज देखा हमने कैसे इस लेवल को काफ़ी इसने रिस्पेक्ट किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ब्रेकआउट लेवल हमारा कल के लिए भी सेम होगा, 15,158 ब्रेकआउट लेवल होगा। इसको ब्रेक करेगा तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15,175, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,199, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो यहाँ जो गैप क्रिएट हुआ है अभी दो दिन पहले तो इसका जो इनिशियल लेवल है अराउंड 15,052 आप देख सकते हैं 20 EMA का सपोर्ट टेस्ट किया है इसने आज। तो 20 EMA को ब्रेक करे और फिर जहाँ पर ये गैप अप ओपन हुआ था इसको लेवल को ब्रेक करता है कंफर्टेबली तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाना फायदेमंद साबित हो सकता है। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 15,031, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 15,009, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए कल के लेवल्स। बैंक निफ्टी के लिए क्या हो सकते हैं ये देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, आज कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। काफ़ी लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए एक्यूरेट साबित हुए। ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट के पास एग्जैक्ट इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ है। ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया था लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेकआउट का कन्फर्मेशन नहीं मिला तो यहाँ पर एग्जैक्ट इसके पास रेजिस्टेंस फेस करके ये नीचे आया। तो एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं, डेली चार्ट में क्या जो हमने कल आइडेंटिफाई किया था इनसाइड बार ट्रेडिंग क्या अभी वो ब्रेक हो सकता है वो देख सकते हैं। इसको मैं डेली चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये है डेली चार्ट बैंक निफ्टी का। अभी यहाँ पर इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है, यानी ये हाई और ये जो लो है ये ट्रिगर लेवल मान के चल सकते हैं। ऊपर ये लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें अपसाइड ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलेगा और ये लेवल को ब्रेक करेगा लो को तो हमें डाउनसाइड का यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगा। फिलहाल साइडवेज पैटर्न में बैंक निफ्टी इंडेक्स को देखा जा रहा है, कंटिन्यूस 3 दिन एक दोजी जैसा पैटर्न बना है, जहाँ पर ओपन हो रहा है उसी के पास अगर क्लोज हो रहा है, इनडिसिजिव पैटर्न है। तो कन्फर्मेशन के लिए वेट करना होगा अगर ओवरनाइट पोजिशंस बनानी है तो। चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कैसे साइडवेज पैटर्न में यहाँ पर चल रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी हमारा ब्रेकआउट लेवल जो है जो आज का था वही सेम रहेगा, 36,145 भी हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 36,543, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 36,665, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर डाउन साइड आता है तो ब्रेकडाउन लेवल हमारा बनेगा 35,754, जो कि आज का लोएस्ट क्लोज है।
20 EMA को ब्रेक कर दीजिए, फिर बाद में कल का जो मतलब कल आज का लोएस्ट क्लोजिंग लेवल है 35,754, इसको ब्रेक होने दीजिए, फिर इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 35,633, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 35,512, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल्स के भी लिंक्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ शेयर करते हैं लाइव मार्केट में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।